नमस्कार जुहार, छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रही हैं कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 2019 में छत्तीसगढ़ की जिस सीट पर बीजेपी को मिली थी हार, पीएम मोदी वहीं से करेंगे प्रचार का आगाज। छत्तीसगढ़ में बीजेपी इस बार मिशन 11 को लेकर चल रही है, जिसे सफल बनाने के लिए अब खुद पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह छत्तीसगढ़ में मोर्चा संभालने की तैयारी में हैं। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार का आगाज उसी सीट से करने वाले हैं जहाँ 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, जबकि अमित शाह के प्रचार का प्लान भी तैयार हो गया है। सीएम विष्णुदेव साय बोले, भूपेश राज में छत्तीसगढ़ लुट गया, भगवान महादेव के नाम पर सट्टा ऐप चला। भाजपा ने नामांकन रैली के बहाने ताकत दिखाई, इस दौरान प्रत्याशी संतोष पांडे ने शक्ति प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। नामांकन रैली के पहले शिवनाथ वाटिका में भाजपा की सभा हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती भूपेश सरकार पर जमकर हमला बोला। साय ने कहा कि भूपेश राज में छत्तीसगढ़ को लूटने का काम हुआ, भूपेश सरकार में भगवान महादेव के नाम पर सट्टा लेवी चला, जिसमें सरकार के लोग कमीशन खाते रहे। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए 52 प्रत्याशियों ने भरा नामांकन, 26 अप्रैल को होगी वोटिंग। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। प्रदेश के निर्वाचन अधिकारियों द्वारा दी जानकारी के अनुसार राज्य में दूसरे चरण के चुनाव के लिए अब तक कुल 52 उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल किया है। दूसरे चरण के लिए राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में चुनाव होंगे। निर्वाचन अधिकारियों ने बताया कि इन सीटों के लिए 52 प्रत्याशियों द्वारा 95 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। सबसे ज्यादा नामांकन पत्र महासमुंद में दाखिल किए गए हैं। राजनांदगांव में ही फेल हो गया भूपेश बघेल का फॉर्मूला। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तैयारियों को बड़ा झटका लगा है। भूपेश बघेल लगातार ईवीएम के बदले बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करते रहे हैं। इसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला भी तैयार किया है, लेकिन उनका ये फॉर्मूला उनके ही निर्वाचन क्षेत्र राजनांदगांव में फेल हो गया। बता दें कि कांग्रेस ने इस बार भूपेश बघेल को राजनांदगांव लोकसभा सीट से भूपेश बघेल को टिकट दिया है। भूपेश बघेल के सामने बीजेपी ने मौजूदा सांसद संतोष पांडे को मौका दिया है। बस्तर के कांग्रेस प्रत्याशी विवादित बयान, बोले रख लो पैसा और शराब, कांग्रेस का पलटवार। लोकसभा चुनाव के दिन जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, कांग्रेस की मुसीबत बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का विवादित बयानों का सिलसिला जारी है। चरणदास महंत और भूपेश बघेल के बाद अब जगदलपुर से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा का भी विवादित बयान सामने आया है। बस्तर में जनसभा कार्यक्रम के दौरान कवासी लखमा का विवादित बयान सामने आया है। 36,000 जवानों की सुरक्षा में होगा बस्तर लोकसभा चुनाव। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में बस्तर लोकसभा सीट के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। इसके लिए 36,000 जवानों की तैनाती की जा रही है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने सकुशल चुनाव संपन्न कराने के लिए सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएएफ और एनएसजी जवानों की मांग भी की है। मतदान दलों और सुरक्षा कर्मियों को पोलिंग बूथ और कंट्रोल रूम तक पहुँचाने के लिए 36,123 वाहनों को किराए पर लिया जाएगा। कोरोना काल में नहीं कराई जांच, इसलिए 2 साल में बढ़ गए टीबी के मरीज। छत्तीसगढ़ में लगातार टीबी के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले वर्ष रायपुर में टीबी के 5,000 से ज़्यादा मरीज मिले थे, वहीं 2018 में सिर्फ 1,189 मरीज मिले थे। 2022 में भी टीबी मरीजों की संख्या लगभग 5,000 के आसपास थी। पिछले दिनों अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भी टीबी मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर वर्कशॉप हुआ था। एम्स में भी टीबी जाँच कराने वालों की लगभग 10% लोगों को टीबी रोग निकल रहा है। छत्तीसगढ़ में बच्चों को एक्सपर्ट फ्री में देंगे करियर गाइडेंस। छत्तीसगढ़ में भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार लगातार प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है। प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश की महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाने के लिए लगातार नई नई योजनाएं लागू करती रहती है। फिर चाहे वो महिलाओं के लिए महतारी बंधन योजना हो या परीक्षा के समय बच्चों के लिए हेल्पलाइन चालू करना हो, विष्णुदेव साय सरकार ने एक बार फिर से ऐसा ही कुछ किया है। दरअसल सरकार द्वारा 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए स्पेशल वर्कशॉप आयोजित किया जा रहा है। अवैध रेत उत्खनन के 11 मामलों में 3,34,000 रुपये का अर्थदंड। खनिज विभाग द्वारा गौण खनिज आधारित क्षेत्रों से रेत के अवैध परिवहन, रॉयल्टी चोरी, उत्खनन एवं भंडारण पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए जिले के नगरीय निकाय सहित ग्रामीण क्षेत्रों पर खनिज अमलों की तैनाती कर नियमित कार्रवाई की जा रही है। खनिज अधिकारी ने बताया कि गौण खनिज रेत की रॉयल्टी चोरी की रोकथाम के लिए विभागीय अमला ने उर्गा कनकी कुरुडीह बरमपुर
इमली डुगू भिलाई खुर्द आदि स्थानों के विगत 30 मार्च से 1 अप्रैल तक कुल 11 प्रकरण दर्ज किए हैं। पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे, बोले राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक इंटरव्यू में पाकिस्तान को सीधा और सख्त संदेश दिया है। पड़ोसी देश द्वारा फैलाए जा रहे आतंकवाद से जुड़े एक सवाल के जवाब में राजनाथ सिंह ने कहा कि यदि आतंकवादी पाकिस्तान भागता है तो उसे वहां भी घुसकर मारेंगे। उन्होंने आगे कहा कि यदि कोई भी आतंकवादी भारत में शांति को बाधित करने का प्रयास करेगा तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सोने के दाम में उछाल, 15 दिन में 3,422 रुपए बढ़े। सोने के दाम पिछले 15 दिनों में 3,422 रुपए बढ़ गए हैं। 22 मार्च को सोने का भाव 66,245 रुपए प्रति ग्राम था और सोने का भाव 69,667 रुपए पर पहुंच गया है। हालांकि बीते दिन की अपेक्षा आज सोने के दाम 235 रुपए कम हुए हैं। बीजेपी की गारंटी जीरो है, बोली ममता बनर्जी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा बीजेपी की गारंटी जीरो है, बीजेपी ने आज तक कुछ नहीं किया है। बीजेपी 2 बार लोकसभा चुनाव जीती लेकिन कुछ नहीं किया। चाय बागान के 10 लाख मजदूरों का खाना बंद कर दिया था, वो लोग हमारे पास आए, हमने 10 लाख मजदूरों की मदद की, हमने उन लोगों को काम दिया। आतिशी ने निर्वाचन आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निर्वाचन आयोग पर निष्पक्षता से कार्य न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब आप विधायक के घर पर रेड हुई तो ईसी ने मिलने का टाइम नहीं दिया, 5 दिन तक पार्टी कार्यालय सील करके रखा गया, तब भी ईसी ने मिलने का टाइम नहीं दिया। वहीं जब बीजेपी शिकायत करती थी है तो निर्वाचन आयोग तुरंत नोटिस भेजता है और भाजपा को रिपोर्ट करता है। पाकिस्तान में घुसा भारत, चलाया ऑपरेशन। अमेरिकी अखबार द गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट में भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने उन लोगों को निशाना बनाने की नीति बनाई है जिन्हें वो देश के लिए खतरा मानता है। 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने 20 हत्याओं को अंजाम दिया है। हालांकि इस रिपोर्ट को भारत सरकार ने प्रोपेगेंडा बताया है। सरकार ने कहा कि हत्या करना भारत की विदेश नीति में नहीं है। महामारी की चेतावनी, करीब पहुंच रहा खतरा। बर्ड फ्लू का H5N1 स्ट्रेन कोविड-19 से भी विनाशकारी हो सकता है। वायरस पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों ने संकेत दिया है कि H5N1 पर वैश्विक महामारी को ट्रिगर कर सकता है। ये खतरनाक रूप से बेहद करीब पहुंच रहा है। H5N1 वायरस गाय, बिल्ली और मनुष्य सहित विभिन्न स्तनधारियों में पाया गया है। ये मनुष्यों के बीच ज़्यादा आसानी से फैल रहा है। वायरस में म्यूटेशन ने वैज्ञानिकों के सामने चिंता पैदा कर दी है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।